नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भीलवाड़ा लोकवाणी में। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अवैध हथियार की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत भीमगंज थाना पुलिस ने एक युवक को एक पिस्टल व चार जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। भीमगंज थाना प्रभारी आशुतोष पांडे ने कहा कि आगामी चुनाव और त्योहारों को देखते हुए गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान सूचना मिली कि बस स्टैंड के पास एक गली में एक युवक शराब के नशे में हाथ में पिस्टल लेकर घूम रहा है, जिस पर जाता तुरंत मौके पर पहुंचा और पुलिस द्वारा व्यक्ति को तुरंत डिटेन कर उसकी तलाशी ली गई, जिस पर उसके पास से एक अवैध पिस्टल और चार अंडा कारतूस बरामद हुए। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शेर माली होना बताया। अवैध हथियारों के बारे में सही से स्पष्टीकरण नहीं देने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। आरोपी यह हथियार कहां से लाया और उसका क्या करने वाला था, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। देखिए भीलवाड़ा लोकवाणी से दीपेश छिपा की रिपोर्ट। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीओ सिटी के निर्देशन में आगामी त्योहारों और चुनाव को देखते हुए सख्ती से गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति बस स्टैंड के पास शराब ठेके वाली गली में पिस्टल लिए घूम रहा है, जिस पर जाब्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। उस व्यक्ति को तस्वीर देखकर डिटेन किया गया। डिटेन करके उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उस पर एक अवैध पिस्टल और चार राउंड बरामद हुए। उस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सिरू माली बताया। अवैध हथियारों के संबंध में इस तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाने पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जा चुका है। उससे हथियार किस उद्देश्य से लिए उसने और उन हथियारों को कहां से लेके आया, इस संबंध में अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के बाद में ही ये स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।